जिला के अग्रणीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा राजकीय भौतिकीनी की महाविद्यालय बड़ू में ऋण उन्मुख कदम एवं ग्राहक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को बैंकिंग एवं ऋण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने की। कार्यक्रम के दौरान 909 लाभार्थियों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 51 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। उपायुक्त देवश्वेता वणिक ने कहा कि उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य लेकर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि छोटी और बड़ी उद्यमियों के इर्द गिर्द ही रोजगार की संभावनाएं होती हैं। ऐसे में ये प्रयास किया गया है कि उद्यमी इन योजनाओं से जुड़े और इनका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी लाभार्थियों को दी गई तथा जिन लाभार्थियों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया उनके अनुभव भी कार्यक्रम के दौरान साझा किए गए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पंचायत स्तर तक करवाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। आज भारत सरकार के निर्देश अनुसार अब अभी सभी जिलों में जो है क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और आज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें ये सौभाग्य मिला कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ और आरसीटी की टीम भी यहाँ पे मौजूद थी और जितने हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इस तरह के बिजनेस वेंचर्स हैं, वो लोगों की पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे मिली और इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रेडिट एक्सेस के जितने प्रोग्राम्स हैं भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के उनके बारे में जानकारी और सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है या अटल पेंशन योजना, इस तरह की प्रोग्राम्स के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। और इस प्रोग्राम की खास बात ये रही कि जिन लोगों ने खुद इसका लाभ उठाया है, इस तरह के क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम्स का लाभ उठाया है, पीएमईजीपी हो, एमएमएसवाई हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, इस तरह के सारे कार्यक्रमों में बेनिफिशरीज जो हैं उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस भी कुछ हमारे साथ साझा की और अभी और कार्यक्रम जो चलेगा उसमें और भी इस तरह के विचारों का आदान प्रदान होगा और हमें आशा है कि इस तरह के कार्यक्रम हम और भी अपने ज़िले में अलग अलग स्थानों में गाँव तक, पंचायतों तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ ताकि क्रेडिट आउटरीच के लिए और मेनली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है लक्ष्य है सरकार का और हम सभी के लिए, महिलाओं के लिए खासकर इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत कारगर साबित हुई हैं, उनके बारे में सही जगह पे, सही समय पे सूचना हम पहुंचा सकें और सभी बेनिफिशरीज को अपने फोल्ड में जो है ऐड कर सकें। बता चुके हैं लेकिन ये बहुत अहम है कि हमारे, जैसे मैं कह रही थी कि उद्यमी बनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है विरासत में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, पैसे, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो है सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं, क्रेडिट स्कीम्स हैं, इसके तहत हम सही समय पे अगर अवेयरनेस के साथ सही जगह पे लोन और इस तरह के क्रेडिट का हम अवेल कर सकें, हमारे पास स्किल, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी हो और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हम उन लोगों को जोड़ सकें तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। हमारे जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, यही हमारे सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में एक नींव है जिनके इर्द गिर्द जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज की होती है और इनका योगदान हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है और हम चाहेंगे कि छोटे से बड़े इस तरह के उद्यमी जो हैं हमारे साथ जुड़े और इस तरह के स्कीम्स का जो है भरपूर फायदा उठा सकें। वहीं पीएनबी बैंक जोनल हेड प्रबोध कुमार ने बताया कि ग्राहक संपर्क कार्यक्रम के तहत 909 पात्र लोगों को ऋण बांटे गए। उन्होंने बताया कि इनके तहत कुल 51.32 लाख रुपए के ऋण वितरित किए गए जिनसे लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के अवसर मिल सकेंगे। आउटरीच प्रोग्राम था तो इसमें जो है आज इसके प्रोग्राम में हम लोगों ने 909 लाभार्थियों को जो है ऋण दिया और जिसका टोटल अमाउंट है वो 51.32 करोड़ का है। तो आज की ये हमारी एक अच्छी उपलब्धि थी और अच्छा पार्टिसिपेशन था। आप लोग ने भी जैसे देखा होगा कि सक्सेस स्टोरीज भी लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया अपना, तो उससे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन लोग बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा कि हाँ ऐसे आगे बढ़ा जा सकता है।